रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। अस्सलाम सईद साहब, क्या हाल आप? खैरियत से? माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हनफी आलमगीर जामे मस्जिद ट्रस्ट बावर मार्केट लांडी नंबर 3 के ने जो हमारा सर्दखाना तामीर किया गया है उसके लिए आप तशरीफ़ लाए और उसको आप कवरेज करना चाहते हैं ताकि आवाम उन्नास को ये पता चल सके कि एक नवाई इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद मौजूद है और यहाँ आवाम की खिदमत के लिए जो है ये सर्दखाना तामीर किया गया है ताकि लांडी, कोरंगी, मलीर, डिग्रो, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन हदीद तमाम लोग इससे मुस्तफीज हो सकें और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आइए मैं अंदर चल के आपको पूरी चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा सही साहब, माशाल्लाह से ये काफ़ी आपने वसी बनाया है और मतलब पूरी मतलब अपने प्लानिंग के तहत बनाया, तो इसके बारे में बताएं आप ज़रा थोड़ा सा। आपको याद होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिट स्ट्रोक का मसला आया था जिसके अंदर लोगों को मैयतें रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं मैसर थे, तो उस दौर में हमें यह ख्याल आया कि यहाँ हमारे लांडी के अंदर भी कोई बड़ा सरखाना मौजूद होना चाहिए। अच्छा नाज़िर किराम, ये जो है ना, ये हिस्सा जो है ना मैयत मतलब ख़वातीन को गुसल देने की जगह है और ये काफ़ी मतलब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो नाज़िम, ये हम अंदर आ चुके हैं, तो ये पूरा बनाया गया है जो सर्दखाना जहाँ पे ख़वातीन जो मैयत होगी उसके गुसल मैयत के गुसल के लिए। ये जो मर्दों की ये जो है ना मैयत जो निलाने दुलाने का इंतज़ाम है वो यहाँ पे किया गया है, तो आप देखें ये भी काफ़ी वसी मतलब बनाया गया है और इन्होंने इस लिहाज से बनाया कि मतलब मुर्दे को कोई तकलीफ़ नहीं हो और हर तरह से सहूलत दी गई है यहाँ पर गर्म पानी की और ये बकायदा ये इसका स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे निलाने का बंदोबस्त और यहाँ पे जो निलाएगा उसकी पाकी का बंदोबस्त। ये स्टोर है जहाँ पे कफन दफन का रखने का वो सिलसिला होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा नाज़िर, हम ये जो है ना हिस्सा जो है ना बहुत अहम है और जहाँ पे जो है ना ये सर्दखाना यही कहलाता है जहाँ पे मैयत को रखा जाता है कफन दफन करने के बाद और उससे पहले भी, तो ये आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो ये देखें नाज़िर किराम, ये रैक बने हुए हैं जो कि बहुत स्टील के हैं, यहाँ पे मैयत को रखा जाता है और रखा जाएगा, तो ये काफ़ी गुंजाइश है यहाँ पे, यानी कि एक दो तीन एक उसमें रैक में चार मैयतें आ सकती हैं। इसी तरह ये भी बना हुआ है पूरा और इस तरह ये है और ये जो है ना इसकी जो है ना कूलिंग की लाइन है जो मतलब ये ठंडा रहने के लिए ना ये पूरा कूलिंग का सिस्टम दिया गया है यहाँ पे और ये पूरा रैक वगैरह देखें। अच्छा सही साहब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह से ये पूरा आपका सिलसिला तैयार हो चुका है, अब आपको क्या मतलब क्या मसाइल हैं जो ये अभी तक जो है ना स्टार्ट नहीं हो सका, इसके बारे में आप बताएं ज़रा। देखिए भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है, बल्कि जो लोगों को बताने की ज़रूरत है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है आपने। बात यह है कि आपने देखा ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट बिल्कुल तैयार है, इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ इसके अंदर बटन ऑन करने की ज़रूरत है। हमने इसके सिलसिले में के इलेक्ट्रिक से रابطہ किया था और के इलेक्ट्रिक वालों ने जो है इस्टीमेट हमें दे दिया है, वो इस्टीमेट हमने जमा भी करा दिया है, तो इंशाल्लाह जैसे वो के इलेक्ट्रिक वाले हमें लाइन देंगे तो हम इसको स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं। लेकिन मसला ये भी एक आता है, आप देखते हैं क्या लोड शेडिंग कितनी होती है, यहाँ लोड शेडिंग का बड़ा मसला है कराची के अंदर और ख़ास तौर पर लांडी कोरंगी के अंदर लोड शेडिंग बहुत होती है, क्योंकि हमें जो मैयत लेंगे जिसको रिसीव करेंगे उसको महफूज ही अंदाज में वापस भी करना है, तो हमें फौरी तौर पर हमें यहाँ पर 15 kV का जनरेटर दरकार है, ताकि हम 15 kV का हमें जनरेटर मिल जाएगा तो हम उसको लाइट जाने की सूरत में भी उसको चला सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हम सोलर सिस्टम लगा लें तो सोलर सिस्टम के ज़रिए भी इसको चलाया जा सकता है और बिजली का बिल
में बचाया जा सकता है सोलर सिस्टम के तहत। हमें दो चीज़ें, अगर कोई सोलर सिस्टम लगाना चाहे तो हम उसको वेलकम कहने के लिए तैयार हैं, जो हमें जनरेटर देना चाहे हम उसको वेलकम दे कहने के लिए तैयार हैं। तो ये फौरी तौर पर ये हो जाएगा तो हम इसको चालू कर देंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि ज़ाहिर लोगों की मैयतें घरों पर होती हैं या अस्पतालों के अंदर होती हैं, घरों से भी मैयतें लाना पड़ती हैं, अस्पतालों से भी लाना पड़ती है। तो जब सरद खाने के अंदर आती हैं तो उनके लिए हमें एम्बुलेंस की इंतहाई ज़रूरत है, ताकि हम उनकी मैयत को घरों से ला सकें। और उसके अलावा मैयत जो हमारी कहना चाहिए कि मैयत गाड़ी है, बस, मैयत बस जिसे कहा जाता है, उसकी भी हमें शदीद ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है, ज़ाहिर है यहाँ पर लोग लाएंगे अपनी मैयत को, उसके हम कफन दफन भी करेंगे, उनको नहलाएं धुलाएंगे, कफन भी देंगे, सब कुछ देंगे। ज़ाहिर है ये मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर उनको नमाज जनाजा की भी सहूलत है कि नमाज जनाजा भी यहीं अदा की जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा जामिया सलीम है, मदरसा है, यहाँ बड़ी तादाद में हमारे पास तलबा पढ़ते हैं और उनके इसाले सवाब के लिए भी हम बहुत चीज़ें दे सकते हैं उनको, जो मैयतें यहाँ लाएंगे उनको इसाले सवाब भी हम करेंगे। तो अभी जो हम जो है खड़े हैं सरद खाने में, जो कि इसकी जो है ना सरद खाने की मेन जगह है, तो मैं अपने ईमान टीवी की तरफ से आपसे अपील करूँगा, जो हमारा चैनल दुनिया भर में देखा जाता है, अभी जो है ना फौरी तौर पर ना यहाँ पे एक जनरेटर की ज़रूरत है 15 kV का, क्योंकि ये सर्द खाना है, यहाँ पे लाइट जाती है, तो क्योंकि सर्द खाना बिल्कुल ठंडा रखना पड़ता है, तो उसकी नहीं कंटिन्यू की नहीं हमें जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इस जगह की नहीं है। और इसके अलावा दीगर जैसे कफन है, अगर कोई साहब कफन के एहतियात देना चाहें, क्योंकि कफन भी लोग बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, तो वो कफन भी अगर आप इसको देना चाहें मतलब क्वांटिटी के हिसाब से वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है ना, अभी हमारे जनरेटर की ज़रूरत है, तो मैं आपसे अपील करूँगा, जो भी मेरे नाज़रीन देख रहे हैं बाहर मुल्कों में, अमेरिका में, कहीं भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि फौरी तौर पर जो है ना इस सर्द खाने की नहीं है, अपने एहसाले सवाब की नहीं है, जिसके भी आप सदके जारिये के लिए देना चाहें, अपना ज़कात खैरात के लिए देना चाहें, रमज़ान माशाल्लाह से आप करीब हैं, आप उसमें से अगर ज़कात खैरात निकाल के अपने जनरेटर का बंदोबस्त कर दें, तो ये देखें सर्द खाना है, यहाँ कोई एक छोटी मामूली जगह नहीं है, ये एक सर्द खाना है जहाँ पे इंसान मरने के बाद जो है ना, जहाँ पे इंसान मरने के बाद तैयार होकर जाता है अपने कब्र के अंदर, क्योंकि मेन जगह है ये, आप देख लें दुनिया से हट कर है बिल्कुल ये। अब मैं आपसे अपील करूँगा इसके साथ इसके लिए आप ताउन करें, और जो सही साहब ने कुछ ज़रूरियत बताई है इसके लिए वो आप पूरी करें, तो हम भी आपके इंशाल्लाह तआला शुक्रगुजार होंगे, ईमान टीवी भी आपका शुक्रगुजार होगा, और इंशाल्लाह तआला ये हमारे सही साहब भी आपको मतलब जो है ना बहुत मशकूर होंगे। और दूसरी बात ये कि मैयत को मतलब बहुत आसानी हो जाएगी, हमारी मैयत जो है ना मतलब जो है ना जैसे खुदा ना खास्ता वो ख़राब हो जाए, तो उसके लिए बहुत महफूज हो जाएगी, क्योंकि मरने के बाद जो है ना हमारा इंसानों का फ़र्ज़ बनता है कि मैयत को महफूज रखें, उसको हर तरह से उसको मतलब बिल्कुल बचाएँ, यानी कि ख़राब होने से बचाएँ। अच्छा नाज़रीन, मैं आपसे ये भी कहूँगा, अगर कोई बैरून मुल्क जो मुखरिर हज़रात हैं, अंदरून मुल्क माशाल्लाह से जिनको अल्लाह ताला ने वसी मतलब उनको दिया है माशाल्लाह से अल्लाह की राह में जो लोग खर्च करते हैं, अगर मतलब इस सरद खाने को वो स्पॉन्सर करना चाहें, तो उनके नाम की हम तख्ती भी यहाँ पर लग सकती है अपने वालदेन के साले साहब के लिए, क्योंकि फिर ये उनकी नहीं है मतलब उनके नाम से चलेगा यहाँ पे ये, तो वो मतलब इसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी अगर ले सकते हैं पूरी तो वो भी ले सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोहतरम जनाब, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है, और मुझे खुशी हुई कि आपने लोगों की अंदरून मुल्क और बैरन मुल्क लोगों की तवज्जो दिलाई है। और ज़ाहिर है जो कंपनियाँ हैं वो कंपनियाँ भी स्पॉन्सर कर सकती हैं, और दीगर जो मुखय्यर हजरात हैं वो भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। ज़ाहिर है मैयत गाड़ी के ऊपर जो है हम उनका नाम भी ले सकते हैं जिसकी तरफ से जो है वो दी जा रही है, या जिसके मतलब जैसे डोनेट जैसे लिखा जाता है, हाँ डोनेट अतिया है फला फला फला, अपने वालदेन के नाम से भी वो कर सकते हैं, अपने किसी भी शख्स के नाम से वो कर सकते हैं, उसको अतिया बनाए हम फला फला लिखेंगे। इसी तरह जो एम्बुलेंसें हमें मिलेंगी हम एम्बुलेंसों के ऊपर भी ये लिखेंगे अतिया बरा फला फला, ताकि लोगों को यकीन रहे कि ये जो पैसा जो उन्होंने खर्च किया है वो इसी मकसद के लिए खर्च हो रहा है, किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं हो रहा। और इंशाल्लाह जो है जैसे आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपकी दाद से मुत्तफिक हूँ कि ये काम लोग करें, क्योंकि वो अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क हों इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस सर्द खाने को चलाने के लिए ज़ाहिर है बहुत वसी रकम की ज़रूरत होती है, जो चाहें कि वो अब तमाम चीज़ों का खर्चा खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, आवाम से कोई
कोई पैसा नहीं लिया जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आवाम से कोई पैसा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब ये तमाम इसको चलाने के लिए, इसके इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए, इसके गैस के बिल देने के लिए, इसके तमाम स्टाफ की तनख्वाहें देने के लिए जब हमें चीज़ें मैसर आ जाएंगी तो हमें आवाम को से कोई एक रुपया भी लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो नाज़रीन माशाल्लाह से आपने देखा ये, अगर कोई हजरात अपने ज़िम्मे पूरा ये काम लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये इन्होंने माशाल्लाह से ऑफ़र किए, वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर हमें कोई देख रहा है जिसको अल्लाह ताला ने दिया है, एक शख्स या अपने दोस्तों को मिला के वो पूरा ग्रुप ये चला सकता है, तो उसका स्पॉन्सर भी हो जाएगा, उनके हर जगह उनके नाम का सिलसिला चलेगा, और फिर देखें ना सदका जारिया होगा। ये मतलब ये ऐसा काम है जो मतलब आपको ना आखिरत में इसका अजर मिलेगा, क्योंकि ये मुर्दे का काम है पूरा, यानी कि मरने के बाद वाले का काम है, उसका काम हो रहा सारा, ये किसी जिंदा के काम का नहीं हो रहा। तो आपको भी तसल्ली होगी कि यार मरने वाले के किसी काम आए, अल्लाह ताला उसकी मफरत से आपकी भी मफरत कर दे। तो मेरा तो मशवरा ये कि आप इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इनके साथ तआवुन करें। हर शख्स ने जो है ज़ाहिर अल्लाह के अपनी जान को अल्लाह के सुपुर्द करना है, और हर शख्स की ये ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है सरदखाना। तो हमने इसके अंदर आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ताकि आपको ये सहूलतें मिलेंगी, आपके लोगों को ये सहूलतें मिलेंगी, ताकि आपकी मैयतें महफूज रहें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे इंतज़ामिया जो है हनफी आलमगीर जामे मस्जिद ट्रस्ट की इंतज़ामिया हर तरीके से आपसे साथ तआवुन करने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें कि आपका पैसा एक रुपया दिया हुआ भी जो है किसी दूसरी जगह खर्च होगा, जिस मद के अंदर आप देंगे उसी मद के अंदर इसको खर्च किया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाज़रीन हम यहाँ पे आप आएँ और देखें, माशाल्लाह सफाई का बहुत ख़ास इंतज़ाम रखा गया है यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों से, ईमान टीवी देखने वालों से, कि उसको देखेंगे और इंशाल्लाह वो इस तरफ रागिब होंगे। तो ये तमाम कोई मसला नहीं होता जब लोग आप इस तरफ रागिब हो जाएं, मुखय्यर हज़रात अगर हमारी बात पे लब्बैक कर दें तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो नाज़रीन अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ये प्रोग्राम हमने बनाया था सरदखाने के हवाले से आपसे अपील के सिलसिले में, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह।